subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सवालों का तड़का, एक बार फिर लगा झटका। अगला जो आज का हमारा है, उसमें जो है सुबह मैंने क्वेश्चन दिया था, जैसे कि क्वेश्चन लिखा है, किसी समूह में कुछ खरगोश और कबूतर हैं, यदि समूह में पैरों की संख्या 580 है और गर्दनों की संख्या 200 हो तो बताइए कि समूह में कितने खरगोश हैं। इस तरह क्वेश्चन में आपको केवल इतना याद रखना है भाई, जितनी हमारे पास गर्दन होगी, जितनी हमारे पास क्या होगी, गर्दन होगी, देखिए बताते हैं, जितनी हमारे पास गर्दन होगी उतने ही तो जानवर होंगे भाई। एक जानवर के पास एक ही गर्दन तो होगी, तो जितनी गर्दन होगी उतने जानवर होंगे मेरे पास। तो हम देख रहे हैं कि गर्दन हमारे पास 200 है, इसका मतलब जानवरों की संख्या कितनी है, 200 है। अब इसमें कुछ जो हैं दो पैर वाले हैं और कुछ चार पैर वाले हैं। भाई कबूतर के दो पैर होते हैं, खरगोश के चार पैर होते हैं। तो हम ये देखेंगे कि अगर मान लीजिए 200 गर्दन है और सब के सब जो है दो पैर वाले हैं, अगर सब दो पैर वाले होते, सब दो पैर वाले होते तो पैर कुल टोटल कितने हो जाते बताइए। अगर सब दो पैर वाले होते तो पैर टोटल हो जाते 200 × 2, यानी कितने हो जाते, 400। अगर सारे दो पैर वाले होते तो 400 पैर होते, लेकिन हमारे पास पैर कितने हैं, तो देख रहे हैं है पैर, कितना पैर है, 580, यानी कि कितना ज्यादा है, हम देख रहे हैं कि 180 पैर ज्यादा है। ठीक, तो केवल यही देखना है कि 180 पैर ज्यादा क्यों हुआ भाई। इसमें चूंकि हम देखे कि अगर सबके दो दो पैर होता तो इतना होता, लेकिन जो है इसमें चूंकि चार पैर वाले भी हैं, इसलिए जो है 180 पैर ज्यादा हो गया। तो जो चार पैर वाले हैं, दो पैर तो हमने काउंट कर लिया भाई, 200 जितने थे सबके दो दो पैर काउंट किए, लेकिन जो चार पैर वाले थे उनके भी दो पैर छूट गए हैं भाई, इसमें दो ही पैर तो काउंट किया हमने, तो दो पैर छूट गया, तो दो पैर छूट गया तो 180 का मतलब क्या हुआ कि 180/2, यानी कि 2×9=18, 90 जानवर ऐसे थे जिनके पास कितने पैर थे, चार पैर थे। ठीक, कितने जानवर, 90 जानवर ऐसे थे जिनके पास कितने पैर थे, चार पैर थे। तो अगर चार पैर वाले 90 हो गए तो दो पैर वाले कितने हो जाएंगे बताइए, टोटल 200 हैं, जितनी गर्दन उतने मतलब जानवर, तो 90 हो गए चार पैर वाले, तो दो पैर वाले कितने हो जाएंगे, 110, यही आ जाएगा आंसर। केवल इतना आप याद रखिए कि जितने गर्दन दी गई है इसको आप मान लीजिए कि सबके दो दो पैर हैं, तो अगर दो दो पैर हैं तो हम देख रहे हैं कि 180 पैर अभी हमारे पास बच जा रहा है। जो पैर बचा है ये चार पैर वालों का बचा भाई, दो पैर तो हमने गिन लिया लेकिन उनका दो पैर हमने छोड़ दिया, तो दो पैर छोड़ दिया तो इसीलिए 180 पैर बच गया। तो अगर दो पैर छोड़ने पर 180 पैर बचे हैं, तो यानी कि 180/2, देख रहे हैं 90 जानवर हमारे थे कितने, चार पैर वाले, तो दो पैर वाले कितने हो जाएंगे, उसी को घटा देंगे। जैसे आगे लिखा है, किसी खेत में कुल कुछ मुर्गी और बकरी हैं, यदि खेत में पैरों की संख्या 244 और गर्दन की संख्या 90 है। गर्दन हमको दिया गया है 90, ठीक, और इसमें मुर्गी है और बकरी है, मुर्गी के दो पैर, बकरी के चार पैर, हम देख रहे हैं दो पैर और चार पैर वाले हैं। तो अगर सबके दो पैर होते, अगर सबके दो पैर होते तो कितना हो जाता, 180 पैर हो जाता, लेकिन कितना पैर दिया गया है, पैर हमको दिया गया है 244, कितना ज्यादा दिया गया है देख लीजिए, तो 4 × 14 = 8, 8×6 = 14, 6, यानी कि 64 पैर हमको ज्यादा मिल रहा है। तो 64 पैर जो बच रहा है ये किसका होगा, जो चार पैर वाले होंगे भाई, दो पैर तो हमने काउंट कर लिया लेकिन अभी दो पैर उसका बचा हुआ है, 62/2, यानी कि 2 × 3 = 6, 2 × 1=2, यानी कि 31 जानवर ऐसे हैं जो चार पैर वाले हैं, अर्थात बकरी, 31 बकरी है। अब मुर्गी कितनी हो जाएगी, तो गर्दन में से घटा देंगे तो 90 में से 31 घटा देंगे तो 9, 40, 50, यानी कि 59 हमारी हो गई मुर्गी और 31 हो गई ये। आगे लिखा है कि किसी समूह में जितनी संख्या में आदमी हैं उतनी ही संख्या में घोड़े थे, आधे आदमी अपने अपने घोड़े पर बैठे थे
और जबकि शेष पैदल चल रहे थे। यदि जमीन पर चलने वाले पैरों की संख्या 140 हो तो समूह में कितने घोड़े थे? भाई घोड़े थे, आदमी थे, दोनों लोग जा रहे थे। भाई एक आदमी एक घोड़ा लिया था। लेकिन हुआ क्या कि अगर हम मान लें कि पैदल चलने वाले आदमी हमारे पास अगर यक्ष होते तो क्या कह रहा है कि आधे आदमी अपने अपने घोड़े पर बैठे हैं और क्या कह रहा है जबकि शेष आधे आदमी पैदल चल रहे हैं। तो हम देख रहे हैं पैदल चलने वाले यक्ष हैं। पैदल कितने चल रहे हैं? यक्ष। जो पैदल चलेंगे उन्हीं का पैर तो जमीन पे रहेगा। भाई जमीन अगर आदमी और घोड़ा दोनों हैं, अब आदमी जो है कुछ आदमी पैदल चल रहे हैं और कुछ आदमी घोड़े पे बैठे हैं, तो जो आदमी घोड़े पे बैठेगा क्या उसका पैर नीचे रहेगा? नहीं रहेगा। इसका मतलब जो आदमी पैदल चल रहा है उसी का रहेगा। तो पैदल चलने वाले आदमी अगर यक्ष हैं तो एक आदमी के दो पैर होता है, तो इसका मतलब पैदल चलने वाले आदमियों में कितने पैर चल रहे हैं? दो पैर चल रहे हैं, दो यक्ष पैर। फिर देखिए, अब घोड़ा तो किसी के ऊपर बैठेगा नहीं कि घोड़ा भी बैठ जाएगा, घोड़ा नहीं बैठेगा। कह रहा है जितने आदमी थे उतने ही घोड़े थे, तो टोटल आदमी कितने हैं? पैदल यक्ष चल रहे हैं, तो अगर यक्ष पैदल चल रहे हैं तो यक्ष बैठे भी तो हैं घोड़े पे, तो इसका मतलब जो आदमी टोटल आदमी थे वो दो यक्ष आदमी थे। कितने आदमी थे? दो यक्ष आदमी थे, और जितने आदमी थे उतने ही घोड़े थे, तो अगर दो यक्ष आदमी थे तो दो यक्ष घोड़े भी हो जाएंगे। तो ये दो यक्ष समझ में आया कहां से है? ये दो यक्ष घोड़े हैं हमारे, क्योंकि इसमें कह रहा है कि जितनी संख्या में आदमी थे उतनी संख्या में घोड़े थे। तो हमने चूंकि माना है कि पैदल चलने वाले आदमी यक्ष हैं, तो जितने पैदल चल रहे हैं उतने घोड़े पे बैठे भी हैं, तो इसीलिए दो यक्ष आदमी टोटल हैं और उतने ही घोड़े हैं। अब घोड़ों के पैर कितना होता है? चार चार पैर होता है ना, तो इतना इंटू चार, ये बराबर दिया गया कितने के? 140 के। तो या फिर दो यक्ष प्लस आठ यक्ष बराबर 140 के, तो 10 यक्ष बराबर 140 के, तो यक्ष बराबर 14 आ गया। अब घोड़ा पूछ रहा समूह में कितने घोड़े हैं, तो घोड़े हमारे पास थे दो यक्ष, तो बराबर 2 इंटू यक्ष का मान 14, यानी 14 दुनी 28 घोड़े हमारे पास हैं। ये आ जाएगा हमारा आंसर। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन है कि अगला जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन सवाल पे बनता है कि एक प्रश्न पत्र में 75 प्रश्न थे, सही उत्तर के लिए 4 अंक, गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट दिया जाता है। विद्यार्थी को कुल 125 अंक मिला। भाई कितने प्रश्न थे? 75 प्रश्न थे। हम मान लेते हैं कि विद्यार्थी सब का सब प्रश्न सही कर लेता है, तो अगर सारा प्रश्न सही कर लेगा तो सारा प्रश्न सही करेगा तो उसको कितना नंबर मिलेगा? भाई 75 इंटू 4 मिलेगा, यानी 4 पंचे 20, 2 4 सत्ते 28, 2 30। अगर सारा क्वेश्चन सही किया होता तो उसको 300 नंबर मिलता, लेकिन मिला कितना? मिला उसको 125 नंबर, यानी कितना कम मिला? 5, और यहां से 9 बचेगा, 9 में से 2 गए 7, और यहां 2 बचेगा, 2 में से 2 एक, यानी कि 175 नंबर उसको क्या हुआ? ज्यादा मिल रहा है अगर चार चार होते तो। अब हुआ क्या कि एक नंबर जो है गलत पर, इसका मतलब कि ये क्यों इतना ज्यादा हो गया, 300 क्यों आ गया? भाई ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बच्चे ने प्रश्न गलत किया है, और गलत किया है तो गलत के लिए हमको पता है कि अगर गलत करेगा तो एक अंक माइनस हो जाएगा, ठीक। अब हमने तो ये जो चार चार अंक जोड़ा है ये पूरे प्रश्न के लिए जोड़ दिया है, मतलब जो प्रश्न गलत किया है उसमें भी हमने चार अंक दे दिया, तो ये चार अंक माइनस भी तो होगा, मतलब एक अंक ये माइनस होगा और चार वो माइनस होगा, यानी टोटल 5-5 अंक हमने गलत प्रश्न पर ज्यादा दे दिया। तो इसीलिए 175 हमारे पास थे, बटे 5 कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा गलत किसने किया, कितना किया। तो गलत बटे 5 क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? भाई जब हम चार चार नंबर सबको दे दिए तो जो गलत क्वेश्चन था उसको भी तो चार नंबर दिया हमने,
और गलत क्वेश्चन पे एक नंबर काटना था, तो चार नंबर ये और एक नंबर ये, इसीलिए हम पांच से भाग दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15, 2 × 17 = 25। इसका मतलब कि विद्यार्थी ने 35 प्रश्न गलत किया। अभी यही पूछा होता कितने प्रश्न सही किया, तो सही के लिए कितना हो जाता भाई, 75 प्रश्न टोटल था, अब विद्यार्थी ने 35 प्रश्न गलत कर दिया, तो हमारे पास सही प्रश्न कितने हो गए, 75 - 35, तो ये हो जाएंगे 40 प्रश्न सही हो जाएंगे, 35 प्रश्न गलत हो जाएंगे। आगे देखते हैं, कुल प्रश्न 125 है, सही के लिए 4 अंक, गलत के लिए 1 अंक कटता है। तब देखिए अगर 125 प्रश्न है और सब के सब अगर सही कर दिया होता तो 125 × 4 नंबर मिलता उसको, यानी कि 25 × 4 = 100, 4 × 4 = 4, यानी कि 500 नंबर उसको मिलता अगर सब सही किया होता तो। लेकिन हुआ क्या कि उसको मिला 250 नंबर, कितना मिला 250, यानी कि 250 नंबर उसको कम मिल गया। ये कम क्यों मिला भाई, चूंकि गलत किया होगा उसी की वजह से तो कटा होगा। तो चलते हैं, इसका मतलब कि अगर गलत करता तो एक नंबर कटता, लेकिन जो गलत किया है उस पर भी हमने कितना नंबर दे दिया, 4 नंबर दे दिया। इसका मतलब 4 × 5, तो 250 / 5, यानी 5 × 25, 50 प्रश्न इसने क्या किया, गलत किया। तो सही कितना करेगा, तो 125 में से 50 घटा दीजिए तो 75 प्रश्न जो है सही किया है, 75 सही किया है, 50 गलत किया। हम क्या देख रहे हैं, जितना यहां दिया गया है 125 उतना जो है इंटू 4 कर देंगे, जो आएगा उसमें से घटा देंगे, घटाने के बाद इसमें से घटाने के बाद जो बचेगा उसी को जो सही और गलत दिया रहेगा दोनों जोड़ करके भाग दे देंगे। इसको जब आप ट्राई करेंगे तो 5 सेकंड से ज्यादा सवाल में नहीं लगना है। आज हम अपना यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं, आपको इसी तरह गणित का झटका लगातार देते रहेंगे, सवालों का लगेगा तड़का। ठीक, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, फिर हम जो है आपको वीडियो का क्वेश्चन जो है आपको दे देंगे। अगर आप हमारे पेज से नहीं जुड़े हैं तो द स्पीड स्टडी फेसबुक पेज से जुड़ जाइए, वहां पे आपको क्वेश्चन सुबह दे दिया जाता है और शाम को उसको सॉल्व कराया जाता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।